अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आपका आज का हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेजबान जुनैद सलीम, शो में मेरा साथ दे रही है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम। यार पा जुनैद, आई एम टॉकिंग अबाउट इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। गॉड माय गॉड, बहुत सीरियस टॉपिक है भैया। नहीं नहीं माशाल्लाह, स्टार्ट कितना अच्छा है लिया है। गवर्नमेंट ने कहा हुआ है 3 दिन CNG की छुट्टी होती है, 3 दिन ING की छुट्टी होती है। अच्छा, आप क्या कह रहे थे इंडिया पाकिस्तान की? यार मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग इधर देख रहे हैं कि ये जो हमारे मुल्क के अंदर बजाहिर जो चीजें मुझे नजर आती हैं कि हम लोग जो हैं वो इकोनॉमी में काफी मस्कीन हो गए हुए हैं, जिस तरह के मुझे नजर आता है। और इंडिया जो है हमारे साथ वो भी मुल्क है, इसके बारे में दो राय पाई जाती है और दो ही इंतहा की है। दोनों ठीक मालूम होती है, दोनों राय ठीक मालूम होती है। एक तरफ के लोग कहते हैं जी के जो इंडिया है ये तो अब अमेरिका के लेवल का मुल्क बन गया, बहुत तरक्की कर गया, चाइना को टकरे मार रहा है, टकरे मार रहा है। दूसरे लोग जो है वो कहते हैं कि भाई जी इंडिया की बड़ी बुरी हालत है, इतनी गुर्बत पूरी दुनिया में कहीं नहीं जितनी इंडिया में है, अल्लाह माफ करे, सड़कों के ऊपर लड़कों के नीचे नहा रहे हो। और हिंदुस्तान की गुर्बत का मुकाबला इथोपिया से किया जाना चाहिए। हाँ, ये बिल्कुल दोनों इंतहाएं हैं। और मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग एक इंतहा को पोर्ट्रेट करते हैं और कुछ लोग जो है वो हिंदुस्तान के हवाले से, उसकी इकोनॉमी के हवाले से दूसरी इंतहा को मंजर आम पर लेके आते हैं। मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये दोनों जो इंतहाएं हैं इनको प्रोपेगेट करने से उन दोनों ग्रुप्स को क्या मिलता है? Yes, I am also thinking about this. On the same lines? Yes, on the same lines and on the same falsafa of India. तुम तो हिंदुस्तान देख के आए हो, तुमने क्या महसूस किया है गुरबत के हवाले से या हिंदुस्तान की तरक्की के हवाले से, तुम्हारी फीलिंग्स क्या है? लो जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जितना को मैंने देखा है ना उधर, मैंने ये देखा कि उसकी हालत जो है ना बजाहिर उसका रहन सहन ये वो पाकिस्तान से वाकई काफी कहीं कहीं तो बहुत ही गुर्बत है। हाँ। बल्कि मैंने ये देखा था कि उनका जो बंबई का गंदा नाला था ना, वो हमारे गंदे नाले से ज्यादा गंदा था। मगर अच्छे इलाके भी थे, बहुत बहुत अच्छे इलाके भी थे। दिल्ली जो है वो भी लाहौर की तरह ही था हिंदुस्तान। मगर दिल्ली में मैंने डिफेंस गुलबर्ग मॉडल टाउन नहीं देखा, मगर जो इलाके उनके पॉश है या जो महंगे इलाके गिने जाते हैं वहां पे 4-5 मरले का जो कार है वो भी करोड़ों में है। भाई जी कितने का? 7.5 करोड़। ये कितने का जी? 18 करोड़। या अल्लाह, बहुत बहुत महंगे कार है। ये एक हकीकत है कि हिंदुस्तान की इमारत हमारी इमारत से ज्यादा अमीर है और हिंदुस्तान की गुर्बत हमारी गुर्बत से ज्यादा गरीब है। एक तरफ हिंदुस्तान की जो इक्तसादी तरक्की है, जो शाइनिंग इंडिया है, राइजिंग इंडिया है, उसकी हकीकत से इंकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस हकीकत से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि हिंदुस्तान में गुर्बत, भूख, नंग, अफलास और बेरोजगारी वो अपनी इंतहा पे है। और पाकिस्तान जितने भी इक्तसादी सर्वे हैं या सोर्सेज हैं, वर्ल्ड बैंक है, अक्वामे मुत्तहिदा की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं, CIA की वेबसाइट पर चले जाओ, वहाँ पर दोनों मुल्कों का कंपैरिजन देख लो, जो मुख्तलिफ इकोनॉमी के इंडेक्स हैं उनमें कई हवालों से हिंदुस्तान पाकिस्तान से कोसों आगे और कई हवालों से बहुत पीछे। बंबई में ऐसे ऐसे घर मैंने देखे हैं 4-5 कनाल के, जो इधर ज्यादा से ज्यादा 25 करोड़ में मिल जाएगा जो कोठी, उधर कितने में है? सैकड़ों करोड़ों में, सैकड़ों जी, 700 करोड़ की कोठी है। 700 करोड़ ऊपर से अजीजी को बता रहे हो यार परदेश में एकदम। एक तरफ तुम देखो कि जो पर कैपिटा इनकम है, जो फीकस आमदन है, वो अमरीकी जो जायजा रिपोर्ट्स हैं वो ये कहती हैं कि हिंदुस्तान की पाकिस्तान से बेहतर है। वहां पर $3.5 योमिया है, जबकि पाकिस्तान में ये जो है फीकस आमदन ये $2.5 है। लेकिन इसके अलावा ये भी एक हकीकत है कि पाकिस्तान में जो निस्फ आबादी है वो कमोबेश एवरेज आबादी के बराबर है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में जो निस्फ आबादी है, निस्फ से ज्यादा जो आबादी है, उसकी फीकस योमिया आमदन जो है वो $1 है। वहां पे डॉलर चलता है? नहीं, स्टैंडर्ड डॉलर बनाया हुआ है ना यार। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था कि आजकल डॉलर कितने का है?
बात किधर लेके जा रहे हो, बात वो करो जो कर रहे हो। हाँ हाँ हाँ, कि दोनों मुल्कों का इक्तिसादी कंपैरिजन तुम पूछ रहे थे। हाँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो है कई इंडेक्सेस में हम आ गए, कई इंडेक्सेस में हिंदुस्तान आ गए। नहीं तो गुर्बत का उधर क्या? गुर्बत में, गुर्बत का बहुत बुरा हाल है हिंदुस्तान में। अक्वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट हमें ये बताती है कि इस वक्त हिंदुस्तान में 42% से ज्यादा जो बच्चे हैं वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। और हिंदुस्तान इस वक्त वर्ल्ड लीडर है, हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा जो तादाद है ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बच्चों की, वो नंबर वन है। यानी उनको ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती, ग़िज़ा पूरी नहीं मिलती। बेशक ये उनके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, जो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स हैं। ग़िज़ाई किल्लत का शिकार ये मुराद नहीं है कि वो भूखे मर रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर फीड नहीं हो रहे वो बच्चे। और पाकिस्तान इस हवाले से दुनिया में 17वें नंबर पे है, 17th पे। अच्छा, वाह वाह वाह, यानी कि यहाँ पाकिस्तान के बच्चों को ग़िज़ा मिल रही है मिलावट वाली। क्या मतलब? मेरा मतलब है वही ना, मिलावट वाला दूध और मिलावट वाली सारी। ये खराबियां हिंदुस्तानियों में भी मौजूद है। हिंदुस्तान में जनाब? अच्छा, वहां भी छप्पड़ का पानी दूध में मिला लेते हैं। यकीनन वहां पर भी ऐसा ही होता है, लेकिन वहां पर ओवरऑल जो कानून की अमलदारी है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर। अच्छा, नहीं यार, मैंने तो वहां देखा कि सिपाही बेचारा रिश्वत लेने के लिए रक्षा करा के गाड़ी के पीछे पीछे आता। अच्छा। हाँ हाँ, मान से मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, जो दोस्त उधर लेके फिर रहे थे ना, उनके पास पता नहीं कागज नहीं थे उधर बंबई के, वो दिल्ली के रहने वाले थे, उधर गाड़ी लेके जाए तो कागज मांग के लेने पड़ते हैं। अच्छा। वो पुलिस वालों ने कहीं रोक लिया, वो उन्होंने रिश्वत तय की 500 रुपया। अच्छा, उसने जानबूझ के कह दिया कि यार मेरे पास 500 नहीं है, आओ तुम्हें एटीएम से निकलवा के देता। वो सिपाही रक्षा करा के बाखुदा उसके पीछे पीछे गाड़ी लग के लग गया। वो सिपाही रक्षे में बैठा हुआ सोटी पकड़ के, उधर से उसने भी 5-6 गलियां उसकी सैर सूर करा के एटीएम के सामने खड़ा करके बैंक के उसने 500 रुपया एटीएम मशीन से निकाल के उसे दिया। लो जी, कहता बड़ी मेहरबानी, चला गया रक्षे में बैठा हुआ। मैंने कहा यार रक्षे पे पीछे रिश्वत लेने आया। शुक्र अजीज है यहाँ पाकिस्तान में ये नहीं। यहाँ पे तो खैर जो सिपाही पकड़ लेता है वो उतनी देर तक जाने नहीं देता जब तक रिश्वत नहीं ले लेता। और अगर पास पैसे ना हो तो वो कड़ी छड़ी भी उतरवा लेता। अच्छा, सही बताएं, हिंदुस्तान में ग़िज़ाई किल्लत का मामला सिर्फ बच्चों तक महदूद है? नहीं, अगर बच्चों की बात की जाए तो हिंदुस्तान दुनिया में जैसे बताया है कि वर्ल्ड लीडर है, लेकिन अगर बड़ों को भी शामिल कर लिया जाए तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें हिंदुस्तान का नंबर 15वां है। और ज्यादा जो अफसोस की बात वो ये है कि हिंदुस्तान में ज्यादातर जो दलित हैं, जो निचली जात के हिंदू हैं, वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। और इस बात पर अक्वामे मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स में अफसोस का इजहार किया गया। हाँ, मैंने ये सुना है, वाकई उधर जात पात के हवाले से बड़ी अजीब सी सूरत है, खौफनाक सूरत हाल है। और जो निचली जात के दलित हिंदू हैं वो यानी कुल हिंदुस्तान की आबादी का 25% हिस्सा है, लेकिन जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात आती है, जब ग़िज़ाई किल्लत का शिकार जो पूरी हिंदुस्तानियों की तादाद है उसका वो 55% हिस्सा है। नहीं, जात पात के हवाले से पाकिस्तान में तो जब से पाकिस्तान वजूद में आया बड़ी बेहतरी पाई गई है। यहाँ पे तो बेशुमार जो जातें ऐसी जो पाकिस्तान बनने से पहले छोटी जातें गिनी जाती थी, उनमें अब बहुत बहुत अच्छे लोग, बहुत बहुत बड़े मर्तबे वाले लोग भी आए। तो बात फिर यही है ना कि जब भी हम दोनों मुल्कों की इक्तिसादियात का जायजा लेते हैं तो किसी किस्म की मैंने कहा जज्बातियत का शिकार नहीं होना चाहिए, इंतहा पसंदी की नजर नहीं करनी चाहिए अपनी बहस जो है। हर बहस के ऊपर या हर बात के ऊपर बंदे को गुस्से में भ्र नहीं कर देना चाहिए। ये बुरा तो नहीं लगा सीरियस बात में? हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।